हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, हम बीएड हरियाणा के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स लेकर टाइमली आपके पास में आते रहते हैं। हमसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी 2017 में ओपन हुई थी, सिर्फ दूसरा ही साल है इस यूनिवर्सिटी को बीएड कराते हुए। तो स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि क्या गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्या गुरुग्राम यूनिवर्सिटी द्वारा करवाई जाने वाले बीएड गवर्नमेंट जॉब में वैलिड रहेगी। तो आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर आज मैं आपके पास में आ गया हूं। बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। पहले हरियाणा में सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटीज थी मेन जो कि बीएड कोर्स करवाती थी, एमडीयू रोहतक और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते चले गए, भार बढ़ता चला गया, स्टेट्स ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज को लॉन्च किया, भारत सरकार ने मान्यता दी यूनिवर्सिटीज को और नई नई यूनिवर्सिटीज लॉन्च होती चली गई। जैसे कि सीआरसीयू जींद लॉन्च हुई, डी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई, इसी तरीके से हरियाणा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर भी है, डी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई, यूनिवर्सिटीज बढ़ती चली गई। इसी तरीके से गुड़गांव के अंदर जब यूनिवर्सिटी की मांग हुई तो 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। माय फ्रेंड्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनका मकसद पैसे कमाना नहीं होता, बच्चों का भविष्य बनाना होता है। तो जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, बिना अप्रूवल के कोई भी उल्टा सीधा कोर्स नहीं करवाती हैं। तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब आपको एनसीटी का अप्रूवल कैसे चेक करना है आपके पर्टिकुलर कॉलेज का, ये हम आपको बताएंगे। आपको जब भी एनसीटी अप्रूवल चेक करना हो अपने कॉलेज का, तो nctee.gov.in वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, तो देखिए हम वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो जाने के बाद में एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, मान्यता प्राप्त संस्थान। इस मान्यता प्राप्त संस्थान पर जाकर ये चार जोन दिए हुए हैं, अपने पर्टिकुलर जोन का अप्रूवल आप चेक कर सकते हैं एनसीटी का। तो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपका कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड होना जरूरी है। तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आप बेझिझक होकर एडमिशन ले सकते हैं बीएड और एमएड कोर्स में। दोस्तों, हमसे बहुत से स्टूडेंट्स ये प्रश्न पूछते हैं कि उनको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, एमडी रोहतक में लेना चाहिए, कुरुक्षेत्र में लेना चाहिए, सीआरसीयू जींद में ले या गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, डी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। तो हम आपको हमेशा एक बात बताते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज बराबर हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप एडमिशन लें। जैसे अगर राजस्थान का बच्चा है तो उसको इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर और सीआरसीयू जींद पास पड़ती है, तो वो वहां पर एडमिशन ले सकता है। कोई चंडीगढ़ का बच्चा है, कुरुक्षेत्र का बच्चा है, उसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ठीक रहेगी। कोई सोनीपत का बच्चा है, उसके लिए डी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी। अगर कोई बच्चा बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, तो उसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी रहेगी। यूनिवर्सिटी को अपनी रीच के हिसाब से चूज करें, जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर बच्चा गुड़गांव का है तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी बीएड करे या एमडीयू में जाकर अपनी बीएड करे। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, वो एडमिशन ले सकता है। जितनी मान्यता एमडीयू रोहतक की, सीआरसीयू जींद की है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की भी उतनी ही वैल्यू है। बीएड हरियाणा के सभी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बीएड के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स लेकर टाइमली आपके पास में आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।